कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर को आज हम पढ़ेंगे। अनिवार्य हिंदी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिमालय के आंगन में कविता से संबंधित। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? तो उत्तर होगा सुंगनी साहू परिवार। जयशंकर प्रसाद ने अपने प्राचीन साहित्य का, संस्कृत साहित्य का अध्ययन ज्ञान किससे प्राप्त किया था? उत्तर होगा दीनबंधु ब्रह्मचारी। जयशंकर प्रसाद हिंदी के किस कालखंड के प्रसिद्ध कवि है? उत्तर होगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभ में किस भाषा में रचना प्रारंभ की थी? तो उत्तर होगा ब्रज भाषा। बाद में वो खड़ी बोली में लिखने लगे थे। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं के नाम बताइए। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी। कामायनी उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। उन्होंने बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं, देखिए नाम, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय और राजेश्री। इसके अलावा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो सबसे अधिक प्रसिद्ध जो रचना है वो है कामायनी महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद किन साहित्यिक पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे? इंदू और जागरण, इन दोनों पत्रिकाओं से वो प्रारंभ में जुड़े। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम बताइए। तो हम इसका उत्तर होगा, जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण रचना है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो इसमें 4 उनके कहानी संग्रह है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। इसके अलावा हिमालय के आंगन में कविता प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्कंदगुप्त। इसका उत्तर होगा, हिमालय के आंगन में कविता में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? उत्तर है, भारतीय इतिहास और परंपरा के गौरवशाली उच्च आदर्शों, त्याग, परोपकार, ज्ञान, गरिमा व सनातन सभ्यता व संस्कृति की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्ति अरुण केतन लेकर निजहात वरुण पथ में हम बड़े अभीत में, अरुण केतन और वरुण पथ से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा, लाल ध्वज व जलमार्ग के विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, हमने हिंसा से नहीं धर्म, भाईचारे, करुणा और मानवीय आचरण से विजय प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, पंक्ति में भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता व्यक्त हुई है? तो इसमें उत्तर होगा, दानशीलता और अतिथि देवो भव की विशेषता। सुना है वह ददीची का त्याग, पंक्ति के अनुसार ददीची ने क्या त्याग किया था? उत्तर होगा, अपनी अस्थियों का। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, यहाँ स्वर्ण और रत्न से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, स्वर्ण अर्थात सुमात्रा, रत्न अर्थात सदाचरणों और पवित्र आदर्शों से युक्त भगवान बुद्ध के उपदेश। अगले प्रश्न है, सप्त स्वर खाली जगह में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, कविता की पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें उत्तर आएगा, सप्त सिंधु। इसके लिए आपको कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है। सप्त सिंधु सा विस्तृत और अथा, एक निर्वासित का उत्साह, पंक्ति में निर्वासित किसके लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, भगवान श्री राम। हिमालय के आंगन में कविता क्या प्रेरणा या संदेश देती है? देश प्रेम, आत्मविश्वास, निज गौरव, त्याग और बलिदान का संदेश देती है। इस प्रकार से हिमालय के आंगन से संबंधित जो कविता है उसकी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जो कि नहीं याद कर सकते हैं।